आपके फिटनेस के लिए बहुत सारी चीजें आपके साथ में शेयर करेंगे, वही उत्साह वही ऑनर एनर्जी के साथ में हम लोग बढ़ेंगे एपिसोड नंबर 2 में। फिर से एक बार गौरव और मैं आपका करेंगे तहे दिल से शुक्रिया इस शो को ज्वाइन करने के लिए। सो गौरव, ऐसा है कि कहीं लोगों में मिसकंसेप्शन होता है ना कि जिम मतलब जिम, बॉडी बनाना मतलब जिम आना, तो मुझे लगता है गलत है। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इट्स द बेस्ट मिसकंसेप्शन जो हर एक इंसान के दिमाग में है, और इस चीज को क्लियर करने के लिए दैट्स व्हाई वी आर डूइंग द सेकंड एपिसोड। टेक्निकल पार्ट ऑफ एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर से अच्छा ये चीज को ही नहीं जानता। मैं समझता हूँ कि लोग कहते जिम चले जा, घर वाले कहते जिम चले जा, आप लोग बहुत लोग देखते जिम जा रहे, बट प्लीज लेट मी क्लियर वन थिंग, बॉडी बनाने के लिए सिर्फ जिम जाना काफी नहीं है। अगर आपको फिटनेस चाहिए, अगर आपको बॉडी बनाना है, लेट मी टेल यू, चाहे वो गर्ल है, चाहे बॉय है, चाहे वो सीए कर रहा है ना कर रहा है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई प्रोफेशनल है, प्लीज लेट मी टेल यू ऑल, द एंटायर फिटनेस इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 इज जिम वाला पार्ट एंड नंबर 2 इज अ डाइट वाला पार्ट। और मुझे बताना बहुत जरूरी यहां पे कि जितना महत्व आपके जिम आने को लेकर है, उससे ज्यादा महत्व आपके डाइट को भी है। आप क्या खाते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने क्या सुना होगा, जो आप खाते हो ना वो दिखता है। तो गौरव, मतलब इनफैक्ट दुनिया की बातें छोड़ दो, आई एम टेलिंग यू अबाउट माय ओन एक्सपीरियंस। अरे भाई, मैं तो पहले से जिम जाता था, आता था, देन आई यूज्ड टू फील मेरी बॉडी बनती क्यों नहीं है। Then later on I understood, yaar, kuch toh something is going wrong. Yeah. And that too I understood after, you know, spending 4 or 5 years, sama mere body ban kyun nahi rahe? What is the reason behind it? Ki main utna output kyun nahi le pa raha? You must have seen lot of people, you know, ki aapne dekha hoga, log ki body ban jati hai, 2-2 saal mein 100 body ban jati hai, aur kuch log hai, 5-5 saal, 10-10 saal se, but they are not getting results. Toh aaj ke ye episode jo hai, un sab ke liye bahut zaruri hai, jahan pe ghar आपको बताएंगे आखिर जिम और डाइट के एग्जैक्ट अंदर कौन सी चीजें हैं, राइट? सो पहली बात तो हम एक एपिसोड में क्या गौरव, हम सिर्फ जिम की बातें करेंगे या डाइट की भी बातें करेंगे? जिम, डाइट, न्यूट्रिशन, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, होमवर्क। ओह माय गॉड, कौन से शब्दों का प्रयोग आपके साथ में हो रहा है, आपने कभी सुना भी नहीं है। सारी चीजें आपको ना किसी समझना है, आपकी आपको सिर्फ सोचना है, आपको इंप्लीमेंट भी करना। गाइस, हमें जिंदगी में अगर अच्छा फिटनेस है तो इन सब चीजों को समझना बेहतरीन है, बहुत जरूरी है, ताकि आप एक अच्छे इंसान बनकर आपकी बॉडी अच्छी निखार कर भा रहे, राइट? राइट। सो पर कैसा है ना, हर कोई चीज को एक एक एपिसोड में डिवाइड कर लेते हैं। सही बात है सर, एज यू से, मतलब एक साथ में हम लोग डाइट भी बोलेंगे, एक साथ में चेस बोलेंगे, मजा आएगा। सिंपल सॉर्टेड लाइफ। यस, तो थोड़ा सा पहले हम लोग अभी काम करते हैं, पहले कुछ एपिसोड में हम लोग जिम के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, और बस ये जिम के सारे फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसके अंदर हम लोग डाइट की भी बात कर लेंगे। बिल्कुल, ताकि इन 8 एपिसोड में हम लोग वो सारा ज्ञान हम लोगों को पहुंचा देंगे, और हम लोग बहुत ही अच्छे सिंपल शब्दों में आपके दिल दिमाग तक वो सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे बहुत ही हम लोग हाई फंडू बातें कर रहे हैं, बहुत टेक्निकल बातें कर रहे हैं। इट शुडंट बी लाइक दैट, यू एवरी वन ऑफ यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। हम लोग दोनों सीए होकर भी ये चीजें समझ पा रहे हैं, और हम आपका दर्द जानते हैं कि आपके साथ में, अगर आप सिर्फ बीकॉम, एक कोई बगैर पढ़ाई वाला कोई कोर्स कर रहे होते तो शायद से ज्ञान आपके लिए काम का नहीं होता, पर हम जानते हैं आपको पढ़ाई भी करना है। right. आप अगर मान लो सीए है तो आपका बहुत सारा टाइम बाकी चीजों में जाता भी होगा, या आप डॉक्टर है, एमबीए, व्हाटएवर यू आर, यू मस्ट बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन अदर एक्टिविटीज, बट वो सब करते करते हम लोग ये चीजें कैसे कर सकते हैं ना, वो जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज का एपिसोड देखना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, आइए समझते हैं, पूरे चार्ट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, जिम और दूसरा पार्ट डाइट। डाइट को आज नहीं छुएंगे, हम लोग जिम की बात करेंगे। बिल्कुल, जिम यानी कि दो, अगेन इट विल बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, यानी कि तो वेट लिफ्टिंग, ये आप ये वो देखते हो क्या, लोग वेट लिफ्ट कर रहे हैं, चेस्ट है, ये एक पार्ट है, और लोगों को लगता है गौरव कि जिंदगी में वेट लिफ्टिंग ही जिम होता है, आपको लगता है? लेट मी एडमिट दिस, इवन आई यूज्ड टू हैव द सेम फीलिंग, दिस मैन हैज चेंज्ड माय माइंडसेट, कि इट इज नॉट ओनली अबाउट शोइंग पावर, इट इज अबाउट स्टैमिना, इट इज अबाउट एंड्योरेंस। एंड्योरेंस शब्द का मतलब इस भाई ने समझाया मुझे, इट्स नॉट अबाउट इन फोर्सिंग मोर पावर, इट्स अबाउट एंड्योरेंस, इट्स अबाउट स्टैमिना। आपको आपको क्रॉसफिट ट्रेनिंग, आपको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग करना जरूरी है,
ये सारे आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग करना भी जरूरी है, isn't it? बिल्कुल. So again, the gym जाना is broken down into two parts. One is weightlifting and one is cardio. Cardio section. तो कार्डियो को भी समझना है, वेटलिफ्टिंग भी समझना है. समझ गया? डाइट की तो बात ही नहीं हो रही है, अब आ रही जिम की बात. जिम भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है. कौन से? एक वेटलिफ्टिंग और एक कार्डियो. तो सबसे पहले वेटलिफ्टिंग से शुरुआत करेंगे. बट वेटलिफ्टिंग डज नॉट मीन एनीथिंग, राइट? क्या कार्डियो भी इंपॉर्टेंट? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर एक्सटैटिक. आपने इस बंदे को ध्यान से देखा, इसका बॉडी देखा आप, ये क्या है? ये सिर्फ वेटलिफ्टिंग से नहीं हुआ, इसने जो एफर्ट्स लिए हैं भाई, इट इज ये जो लीन बॉडी है, ये ऐसे नहीं है. ये तो बहुत शर्ट में, अभी आपको शायद से पता नहीं, इसको आप जब यू जस्ट टेक हिज प्रोफाइल है, ये सब पाने के लिए आपका वेटलिफ्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट. एंड बेस्ट पार्ट वो सर इज पटनी विच इज जैन, एंड आई एम सिपानी में भी जैन, तो यू नो इंस्पायर्ड बाय सर जैन लोग. नहीं नहीं नहीं, लेट मी क्लियर वन थिंग. अगर कुछ लोगों ने मेरे इंस्टा पे कमेंट किया था, सर आर यू ईटिंग नॉन वेज, I said, come on, भाई मेरे को घर पे रहना है. And this is pure vegetarian body. मतलब अच्छा वेज खाके भी बन सकती है. हाँ जी, वेज खाके बन सकती है. डाइट में पूरा कवर करेंगे. इसके बाद में जो डाइट वाले जो एपिसोड आएंगे उसमें पूरा बताएंगे कि डाइट एग्जैक्टली वेजिटेरियन में भी और अच्छा. हम लोग शाहिद कपूर यार वेजिटेरियन है, कम ऑन, बॉडी है या नहीं है? कम ऑन यार, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग लॉट ऑफ, यू नो, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, दे आर मेकिंग वंडरफुल बॉडी ओनली विद वेज डाइट. तो दोस्तों बहुत मजा है, दिस इज गोइंग टू इंटरेस्टिंग. प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा. आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है. गौरव को मोटिवेट करना जरूरी है, क्योंकि गौरव के माध्यम से हम पूरे इंडिया तक पहुंचने वाले हैं. हम पूरे सीए के सारे स्टूडेंट्स में आग लगा देंगे. हम बता देंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कोई भी प्रोफेशन हम लोग कोर्स करते हैं, डज नॉट मीन वी इग्नोर फिटनेस. हमारा फिटनेस भाई, मैं तो कहता हूं गौरव, लाइफ बैलेंस होना चाहिए. वाओ, सिर्फ ये सब चीजों में मजा है जब आपके लाइफ बैलेंस बनती है ना. बिल्कुल, यू एंजॉय योर सक्सेस. Like I am enjoying standing beside Swapnil sir. Oh, energy, my God! Superb, ecstatic, outstanding. Thank you so much. No? Dividing body parts, सबसे important body parts sir ने दिखा दिया अपना mental strength and how to energize you. That is the most important body part of your life. Yes, yes, thank you so much. और अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले body part की बात करते हैं. गौरव सुन, गौरव body part जाना, मेरे body को छूकर बताइए कौन से body part आपको. वेटलिफ्टिंग में कौन सी कौन सी चीजें, जैसे कि आप एक चेस्ट बोला था आपने, अब उसके अलावा यू नो आई एम गोइंग टू समथिंग टेक्निकल, यू नो बहुत सिंपलीफाइड टेक्निकल चीजें बात करेंगे. आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें यू हैव टू स्टडी टॉपिक सब्जेक्ट्स. हम लोग सब्जेक्ट सीखेंगे जैसे सर ने आपको बताया. सो दिस इज बॉडी एनाटॉमी. ओके, ठीक है. आप लोग स्कूल में बायोलॉजी पढ़ते थे अबाउट ह्यूमन बॉडी, आप लोग बॉडी पार्ट्स देखते थे. हम लोग अभी फिटनेस के एंगल से बॉडी एनाटॉमी स्टडी करेंगे. एज आई सेड, Body is an art and sir himself is an artist जो अपनी art को shape दे रहे हैं, ठीक है? Sir सबसे important body part in men और सबसे important difference men में कहाँ से समझ में आता है जो किसी को जल्दी पता नहीं होता. Sir का face थोड़ा shrink हो रहा है, कम हो रहा है, जो you know जो chin होता है ना, double fat chin, जैसे ही वो कम होने लगता है समझ लो इंसान की बॉडी शेप में आ रही है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, देन लेट्स फॉलो द ट्रैप्स पार्ट. तो सबसे मेजर टी शर्ट को हाईलाइट करने वाला पोर्शन जो सर का आप देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रैप शोल्डर जिसे हम कहते हैं. सो देन यू नो शोल्डर वर्कआउट, यस, सबका चहिता फेवरेट मुझे पता है आपका भी है. चेस्ट टेक्निकली इसे बोलते हैं पेक्टोरियल माइनर एंड पेक्टोरियल मेजर, ये दो पार्ट में कवर होते हैं. हम लोग टेक्निकली बाद में जाएंगे और, राइट? उसके बाद कवर होते हैं आपके आर्म्स. आर्म्स में होता है आपका पीक, आपके डेल्ट, एंड जब आप देख रहे हैं पूरा आर्म्स पोर्शन, दैट इज नोन एज बाइसेप्स. आपने वैसे बताओ भाई साहब, देखो, मैंने बोला था ना आपको, ये अभी शर्ट के अंदर ही, बाहर देखो कैसे दिख रहा है. ये ऐसा आदमी नहीं, बहुत बहुत बड़ा आदमी है ये हमारे सौभाग्य आपसे बात कर रहा है. नहीं सर. ओके, इसके बाद इज सेकंड बाइसेप्स एंड देन ट्राइसेप्स, देन या वी कम टू द यू नो वेरी वेरी यू नो ये सेकेंडरी मसल माने जाते हैं बाइसेप ट्राइसेप्स, जो हमारे मेजर मसल के साथ कवर होते हैं. बट ट्राइसेप यू नो समझा देता है, ये बंदा जिम जाता है देख के बॉडी समझ आती है. सो दिस पार्ट सर थोड़ा फ्लेक्स करिए नीचे सर का, देख रहे हैं अभी ट्राइसेप. जैसे जैसे आपका बॉडी का फैट कम होता है ना, और बॉडी जब सिमेट्री में आती है ऐसा ट्राइसेप दिखता है, जैसे सर का दिख रहा है.
ओके उसके बाद सबसे बड़ा मसल जो सबको मिसकंसेप्शन था, बड़ा मैं कवर कर रहा हूं और मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो आपके पीछे वार करते हैं उनके लिए इनकी बैक देखिए, हिज बैक इज सुपर स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी, मैं इनका वर्कआउट ले रहा हूं एंड हिज बैक इज हिज कोर, ये लोअर बैक, लो हम लोग इसको और सिमेट्रिकल शेप में ला रहे हैं, ये हो गया अपर बैक एंड ये मिडिल बैक, यू नो इसमें आप जैसे मैंने कवर किया डेल्ट पार्ट भी कवर हो रहे हैं, शोल्डर पार्ट भी कवर हो रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे सर आर्म्स को, ये देखिए पैक वाइड स्प्रेड हो गई, सो ये पूरे बॉडी पार्ट्स पे भी वर्क करते हैं सर, एंड सर इज ट्रेमेंडस विद हिज वर्कआउट्स, सो टेन हो जाएंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप लोग सब, आई डू यस, आप सब मिस करते हैं, सर भी पहले से थोड़ा हेट करते थे, but he has accepted the reality and he is working super hard on this. मतलब मैं नहीं, all my friends and I have been talking to a lot of people who goes to the gym, you know. Legs को करना पता नहीं पूरे इंडिया का प्रॉब्लम है, I mean it really hurts when you do the leg workout, but that is very important because unless and until you do this part, ये भाई पूरे बॉडी का आधा हिस्से से ज़्यादा बेचेस most major muscle of your body. आप कहते हैं घर की बिल्डिंग ही अच्छी नहीं हो सकती अगर घर का फाउंडेशन ही अच्छा ना हो, सो दिस इज आल्सो, इसमें भी सर देयर आर पार्ट्स जो आपने कवर किए वर्कआउट्स में, बट लेट मी जस्ट हाईलाइट, इसे बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, टर्न हो जाएंगे सर, और ये पार्ट को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग, इसके अलग वर्कआउट्स होते हैं जो ऊपर है यहां टच करेंगे, इसे बोलते हैं ग्लूट्स, यू नो मेनी पीपल डोंट ट्रेन इट, सबसे ज्यादा फैट स्टोरेज वही होता है, यू नो दैट, एंड ये पार्ट होता है काव्स, ये यू नो बहुत जब मिस करते हैं सर, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, काव्स यू नो जब आप गोवा में जाएंगे और भागेंगे ना बीच पे, लोग पैर लेग्स देखते हैं, राइट राइट राइट, एंड अब जो सर सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं जिस चीज के लिए, और यू गाइज विल लव इट व्हेन ही क्लिक गुड फोटोज इन फ्यूचर, हिज कोर, स्कोर, दिस इज यू नो यू कॉल इट एज एब्स, एब्स, दिस इज बेली पार्ट, hips, waist, upper abs, lower abs, look at his abs, look at this, he can, कुछ नहीं खाता भाई, मैं अभी जस्ट बताता हूँ पिछले 20-25 दिनों से मैं रोटी नहीं खा रहा हूँ, ये पता नहीं कई महीनों से रोटी राइस नहीं खाया हुआ है, एंड हम लोग पता नहीं क्या करते हैं, हम लोग नहीं नहीं माँ का प्यार ही इतना ज्यादा है इंडिया में कि वो पूरा प्यार पेट पर आ जाता है, जिस तरह का खाना हमारा है और जिस तरह से मेरी माँ और मेरी बहन मुझे प्यार से यू नो ये सब कुछ खिलाती है, तो ऑब्वियसली वो कभी कभी हम लोग डिनाई नहीं करते नहीं मुझे खाना, एंड वी ऑल्सो डू दैट, बट कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कौन सी चीजें खाने से ये सब कुछ भार पड़ता है, और मैं आपको बताता हूँ यही सबसे बड़ी चीज, ये निशानी है कि आप जिम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब डोंट फील बैड, डोंट टेक इट अदरवाइज, आई एम टॉकिंग टू ऑल द प्रोफेशनल्स एज वेल, मैंने देखा है भाई जी, मतलब तुम कुछ प्रोफेशनल बन जाते हो, पूरे समय तुम्हें एक जगह पे बैठना है और पूरा के पूरा भारत ऐसे ऐसे चलेंगे, प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा, और ये कैसे कंट्रोल करना है, ये सिर्फ वेट ट्रेनिंग से नहीं होगा, डाइट भी इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हम लोग 80% डाइट पे डिपेंड करता है, ओके 80% डाइट, एंड जो सर वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं एंड ही सीइंग रिजल्ट्स, या एंड यू नो सर ने जो बोला ना अभी यू नो सबसे इंपॉर्टेंट है सबके लाइफ में, सर इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग कि पहले स्टमक को फ्लैट करना सीख जाए, एब्स तो दूर की बात है, स्टमक को अगर आपने फ्लैट भी कर लिया ना बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू हैव अचीव्ड अ लॉट, यू नो जो अपने जो इंसान अपनी भूख पे कंट्रोल अपने खाने पे कंट्रोल ले आ सकता है वो इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है, नहीं और लोगों को लग रहा है कि हम लोगों की सिक्स पैक एब्स की बात है, भाई मुझे सिक्स पैक एब्स चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं चाहिए, मेरे को शर्ट उतारना नहीं चाहिए, हम बॉलीवुड की मॉडल्स नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा ढंग का तो मतलब ऐसा नहीं लगे हमारा शर्ट ऐसे हो, प्लीज डोंट, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा ये जो सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ मेरा किसी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कैसे दिखते हो, मैं सिर्फ एक अच्छी बातें अच्छा संदेश दे, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज कि सर आपकी बॉडी मतलब लोगों का मजाक, मैं मजाक नहीं हूँ, प्लीज टेक माय ऑल एवरीथिंग व्हिच आई एम टॉकिंग इट पॉजिटिवली, मैं आपका भाई, आपका ब्रदर, आपका जो भी हीरो, योर कलीग, योर कलीग प्रोफेशनल, व्हाटएवर, आप प्लीज टेक इट इन द राइट सेंस कि कुछ कोई तो है यार, मतलब ये आपको दिशा मिलना जरूरी है, सो आई थिंक सारे बॉडी पार्ट्स हम लोग एपिसोड में कवर करेंगे, तीन से चार एपिसोड में हम लोग क्या सारे बॉडी पार्ट्स को कवर कर लेंगे, एक
तब आ रहा मतलब जहां पे ये समझ आएगा कि जिम आने के बाद में अगर आज मान लो कि एक बार जैसे जिम आते हैं ना तो ऐसा नहीं सारे आठ के आठ मसल्स आप एक ही दिन में ठोक दोगे ऐसा नहीं इट इज नॉट लाइक दैट मतलब आज जिम भी मार दूंगा भारत माता की जय कुछ नहीं करूंगा इट इज नॉट लाइक दैट कम ऑन आप आएंगे आज फोड़ दूंगा नहीं भाई मत फोड़ तो अपने आपको संभाल हर चीज करने का एक तरीका होता है हफ्ते में वो मसल जो है आपको ट्रेन अगर मान लो बाइसेप अगर रोज ही मारते रहेगा ना आठ दिन तो वो बाइसेप श्रिंक हो जाएंगे बिल्कुल उसको ओवर ट्रेन कहते हैं ऐसा नहीं होता कि मैं एक ही दिन में जहां जीतूंगा इट इज अ प्रोसेस संघर्ष जितना ज्यादा बड़ा होगा जीत उतनी बड़ी होगी प्लीज अंडरस्टैंड वन से धीरे 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 आपको एक ही चीज हफ्ते में चेस्ट एक ही बार करना है हफ्ते में शोल्डर एक ही बार करना है बाइसेप्स एक ही बार ट्राइसेप्स एक ही बार लेग्स एक बार ये कोर एक बार पर आपको पता होना चाहिए हर रोज हमें दो मसल ट्रेन करना है बिल्कुल वो कैसे कैसे करते हैं कौन से वेरिएशंस उसमें लाना चाहिए कितने रेपिटेशंस मारना है इसके लिए अब ये वीडियो आज की शुरुआत करेंगे इस एपिसोड से हम लोग जिसमें चेस्ट और शोल्डर कवर करेंगे राइट एवरीबॉडी सो आइए दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे करते हैं वर्कआउट ऑफ चेस्ट एंड वर्कआउट ऑफ शोल्डर फोरआर्म स्ट्रेट आपको ये मिलिट्री प्रेस लेना है आप लोग देख रहे हैं कि शोल्डर का इतना प्यारा मसल कितने अच्छे से फ्लेक्स हो रहा है ना टेक्निकली करेक्ट ही इज इससे आपके शोल्डर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैक के साथ टोन होते मेक श्योर यू आर डूइंग बैकवर्ड ब्रिंगिंग फ्लेक्स जबरदस्त